हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। फिलहाल मैं उठ चुका हूँ और आज है रामनवमी, तो सबको मेरी तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी फिलहाल मैं रेडी हो रहा हूँ, अपना काम है, आज ऑफिस है, तो आज छुट्टी तो नहीं है वैसे। चलिए काम करते हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट काम है आज, तो ज़्यादा काम करने में मन लगा रहेगा आज दिन भर। और आज मम्मी का है ना अलग प्लान है, आज मम्मी बनाने वाली पापड़, आलू के पापड़ बनाने वाली। किधर है, ऊपर है क्या? हाँ। कौन से वाले, इसमें है, इसमें है क्या? नहीं सकता, पापड़ की मशीन नहीं है। नहीं सकता, नहीं, यहाँ पे देखना पड़ेगा अभी। डब्बा तो नहीं मिला भाई, चलो जाते अपना काम। अपना काम है थोड़ा सा, सुनील देख लेगा। हो गया क्या पापड़ी वगैरह बनाना? हो गया, सब हो गया। अभी हम जा रहे हैं रामनवमी के लिए भगवान की पूजा करने। जय श्री राम। ये देखो दादाजी का क्या चल रहा है इधर। सुन, बांधने का काम चले, अभी इसको इधर ऊपर टांग देंगे घर के ऊपर। इनका अच्छा है भाई, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मतलब बैठे नहीं रहते। पूरे भारत में रामनवमी सेलिब्रेट की जा रही है और हमारे घर पे भी सेलिब्रेट हो चुके। चलो खाना खा लेते हैं। अभी सुनील को बुलाया है पर वो आते ही होगा अभी। आ गए भाई, नमक क्या है मम्मी? ये किसके है? ये आलू के पापड़ है क्या ये? और ये पापड़ी है, ये पापड़ी है दोस्तों, ये पापड़ है। इसको ना उबाल के फिर इसको वेपर्स है। हाँ, ये वेपर्स है, ये वाले वेपर्स है। वाले नहीं आदम, ये नहीं वाले, ये वाले। अरे हमारे खेतों में कौन आ गया? ये उड़ उड़ कितने सारे भेड़ चाल। चलो चाय पीने के लिए चल। चलो दोस्तों, थोड़ा है ना एक्सरसाइज करके आते हैं, घूम के फिर के आते हैं। आज खाने में क्या बन रहा है पता नहीं, पर बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मम्मी क्या बना है खाने में आज? क्या बना रही है? मूली। ये क्या है? अच्छा, गुड़ का हलवा और मसाले भात बन रहा है हमारे घर में। सोना का काम चल रहा है भाई। और ये कौन आया हमारे घर? पापा के दोस्त है शायद। ये देखो भाई, ये इनका घर होता है, और यहाँ पे ऐसे भेड़ों को चराते और फिर इधर ही सो जाते। कितने सारे भेड़ी है, भेड़े कितने सारे भेड़े यार। आ गया भाई घर, और आज इतनी भूख लगी है ना, कड़क भूख लगी है मुझे। ऐसा लगता है क्या खाओ और क्या नहीं। ताते जी ऐसे क्यों बैठे हो आप? ताते जी आराम के साथ। ताते जी घर पे अकेले है, इनकी बीवी मायके चली गई है, बेटी की शादी हो गई है, सचिन हॉस्टल गया हुआ है। कैसा लग रहा है ताते जी? एक टाजी सदाशिव। थला धोनी, वाह, इस इंसान को मिलना है भाई एक दिन मुझे। मेरे लाइफ का है ना एक ही सपना है भाई, मतलब एक ही सेलिब्रिटी को मिलना है, और एक ही मतलब मैं चाहता हूँ कि यार वो मोमेंट है ना मेरा बेस्ट रहेगा जिस दिन धोनी को मिलूंगा मैं। लॉट्स ऑफ लव एंड एडमिरेशन फॉर दैट पर्सन। बहुत कुछ सीखा है धोनी के लाइफ से, मतलब उनके ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड बिहेवियर से। मिलना है भाई एक दिन, ज़रूर मिलना है। गौरव तनेजा जैसा वो ब्लॉगर बताया आप लोगों को? गौरव तनेजा वो बहुत बड़ा ब्लॉगर यार। इतना बड़ा बना तो फिर भाई जल्दी से मिल ही सकता हूँ फिर धोनी को मैं, इतना बड़ा ब्लॉगर बना तो। और मम्मी जी का इधर रोटियां बनाने का काम चालू है। ताते जी को शायद राइस पसंद नहीं है। पसंद नहीं, मॉर्निंग में रामनवमी के लिए गए थे ना। ये क्या है? ये पापड़ियां से।
अरे तो है ना सारे पापड़ियाँ बनानी है। अब इसकी हो गई, पोटैटो की हो गई, आता साबुदाने चाहिए। समर सीजन में क्या होता है, घर पे पापड़ बनते हैं। अब मम्मी ने ये पापड़ बना दे उड़ीद के, फिर अभी मम्मी ने बनाए पोटैटो के पापड़ी बनाई इसको उबाल के, अभी साबुदाना के बनेंगे। मम्मी एकदम प्रो है भाई सब काम में, मेरे लिए भी मम्मी को मेरी सब आदतें पता है। ये मेरा मेरा बनाया हुआ है, ये तेरा है, मेरा है, सब मैं इतरा तो मम्मी को मेरी सब चीजें पता है। नहीं नहीं मन तो गन को खानी तो भाई मैं अभी हमें स्टोरी के बारे में बता रहा था, गौरव तनेजा के बारे में, फ्लाइंग बिश के बारे में बता रहा था उनके ऐड के, और मुझे अभी ब्लॉक का नोटिफिकेशन आया है उसी ब्लॉक का उस दिन के। कितना कोइंसिडेंस है, अरे नहीं पर उसका ब्लॉग है ना वो बहुत दिन पहले धोनी को मिला है, मैं उस ब्लॉग की वेट कर रहा था, पर वो ब्लॉग कब आया, आज आया, और आज कब आया, जब मैं बात कर रहा था उसके बारे में तभी ब्लॉग आ गया। कोइंसिडेंस की भी हद होती है भाई मेरे साथ कभी कभी। चलो दोस्तों खाना खा लेते, मस्त गुड़ का हलवा बना है राइस है पापड़। पापा किधर गए, रामनवमी किधर है सेलिब्रेशन। ये देखो भाई ये वाला ब्लॉग MS धोनी के साथ वाला, फिर से एक बार मम्मी बोल रही तू भी एक दिन मिलेगा धोनी से ना यार सच में सच होगा तो कितना कि कुछ ज्यादा ही हो जाएगा मेरे को भाई मैं कॉर्नर में भी खड़ा रहूंगा ना तो मैं चल जाएगा मुझे बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना पड़ेगा तब जाके धोनी के साथ मिलना होगा। अरे ये भी आएगा अपना भी आएगा। ओहो धोनी और क्या ही लाइफ है भाई, क्या ही लाइफ है। थोड़ा है ना मुंह पे मम्मी, हर मम्मी को अपना बच्चा इतना सोना क्यों लगता है, इतना अच्छा क्यों लगता है, क्यों लगता है बताओ। मम्मी इसलिए मम्मी सारखं प्रेम कोणीच करू शकत नाही, ना बायको ना कोणी ना कोणी, फक्त मम्मी एक मम्मी मम्मी बोल रही मम्मी जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं करता, कोई इतने करना। मम्मी का है ना मतलब क्या होता है, उनके ना दिमाग में कोई फिल्टर नहीं होता प्यार के लिए। जनरली आप देखते हो लोग है ना कंडीशन रख के प्यार करते हैं, मतलब किसी से कुछ मिल रहा है तो प्यार है, या फिर हर रिश्ते में नहीं होता है, कुछ कुछ रिश्तों में। तो मतलब ये एक ऐसा रिश्ता है कि जहाँ पे कुछ ये नहीं होता है, फिल्टर नहीं होता, चाहे बच्चा कितना भी टेढ़ा मेढ़ा दिखता हो, कितना अच्छा दिखता हो, कैसा भी हो, है ना मम्मी। लोग चांगला असला तर प्रेम करती, पैसा असला तर प्रेम करती, पापा कुछ तो फिटनेस का दिखा रहे हैं भाई, फिटनेस टेस्ट कर रहे हैं अभी। जैसे शरीर फिट तो उठ सकतो, बिना सपोर्ट के उठना चाहिए सर। हाँ, तब फिट होने रहा है शरीर में तेरा अपने। बताओ, ऐसे? ऐसे बैठना है। हाँ, ऐसे उठना है सीधा। हाँ, बिना हाथ पैर कहीं, बिना किसी सपोर्ट के खड़े रहना है। तू कैसा आदमी है बे, पप्पा के साथ कंपटीशन कर रहा है। इतना मैं क्या बोलता हूँ वो मराठी सेइंग है, जला नहीं पोट तो भिकर चोट। थोड़ा तो चाहिए भाई, प्रॉपर्टी है वो। बस अभी नहीं, इस ब्लॉग को दोस्तों ये पे एंड करना पड़ेगा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कल मम्मी पापा को सुबह जल्दी निकलना है और कल पायल भी आ जाएगी, तो फिर मिलते हैं इस ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल ब्लॉग्स, बाय बाय।